अब की बार बुंदेलखंड हमार। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के दौरे पर हैं। महोबा के बाद अब वे झांसी पहुंचे, जहां पीएम राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में शामिल हुए। झांसी में प्रधानमंत्री मोदी ने किले का निरीक्षण किया। आज पीएम ने झांसी को कई बड़ी सौगातें भी दी। उन्होंने एनसीसी के पूर्व छात्रों को फिर से संगठन से जोड़ने का प्लेटफॉर्म देने के लिए एनसीसी एल्यूमनाई एसोसिएशन का उद्घाटन भी किया। ये एसोसिएशन एनसीसी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगी और राष्ट्र निर्माण में सहायता भी करेगी। साथ ही पीएम मोदी ने झांसी में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन और नौसेना के जहाजों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट सशस्त्र बल सेवा प्रमुखों को सौंपा। इसके अलावा पीएम ने नरेंद्र मोदी टैंक रोधी निर्देशक मिसाइलों के लिए प्रणोदन प्रणाली का उत्पादन करने के लिए उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के झांसी खंड में 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस दौरान पीएम ने संबोधित करते हुए बुंदेलखंड की धरती को नमन किया। ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई की ये धरती बोल रही है। मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थ स्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। मेरे ऊपर मां भारती का अनंत आशीर्वाद है कि क्रांतिकारियों के इस काशी झांसी का अथाह प्यार मुझे हमेशा मिला है। और ये भी मेरा सौभाग्य है कि मैं झांसी की रानी की जन्मस्थली काशी का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे काशी की सेवा का अवसर मिला है, इसलिए इस धरती पर आकर मुझे एक विशेष कृतज्ञता की अनुभूति होती है, एक विशेष अपनापन लगता है। किसी कृतज्ञ भाव से मैं झांसी को नमन करता हूं। वीर वीरांगनाओं की धरती बुंदेलखंड को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। वैसे पहले पीएम मोदी बुंदेलखंड के महोबा जिले में पहुंचे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद पीएम ने जिले को 3,250 करोड़ की जल योजना की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड में अब कभी भी विकास परियोजनाओं पर ब्रेक नहीं लगेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यहां की पानी की समस्या अब दूर होने जा रही है। हर किसी को पानी को हमेशा सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। पीएम ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षी सरकारों ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से जब भी बुंदेलखंड की बेटी शादी करती थी तो हमेशा ऐसी जगह जाना चाहती थी जहां पानी की ठीक व्यवस्था रहे। पीएम ने विश्वास जताया कि अगर उनकी सरकार को और मौका दिया गया तो बुंदेलखंड को भी तेज गति से विकास करने वाला शहर बना दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि आज बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने जन संबोधन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और मोदी ने खास तौर पर पानी की समस्या पर बातचीत की और कहा कि अगर हमारी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को फिर से अगर आप मौका देते हैं तो पानी की समस्या का समाधान निकल जाएगा और इसके साथ ही जो बुंदेलखंड है वो शहर में तब्दील हो जाएगा। देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर मास्टर स्ट्रोक चला दिया। आज बुंदेलखंड रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं और जाट लैंड में विपक्ष की राजनीति को भी बड़ा झटका दिया है। आखिर बीजेपी के कृषि कानूनों को वापस लेने के पीछे वजह क्या है,
चुनाव है तो क्या ये बीजेपी का नया दाव है या फिर इसके पीछे कोई नया समीकरण है? आप रिपोर्ट से समझिए। वो अहम तारीख एक बार फिर से देख लीजिए जिसमें कृषि कानूनों और इसके विरोध में चले किसान आंदोलन का इतिहास दर्ज हो गया है और अंत में आखिरकार किसान आंदोलन के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने गुरु पर्व पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक साल से ज्यादा समय से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की और साथ ही कहा कि इसी महीने संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानून को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान तीनों कानून वापस लेने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। किसानों ने साफ कर दिया था कि उन्हें इस कानूनों की वापसी के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं। केंद्र सरकार ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए कानूनों में संशोधन की बात कही, 2 साल तक कानून सस्पेंड करने का भी आश्वासन दिया, लेकिन किसान आंदोलन खत्म करने को राजी नहीं हुए। डटे रहे कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर और किसानों के हट के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। मांगनी पड़ी माफी पूरे देश के किसानों से। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। इस महीने
कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद किसान प्रदर्शनकारी भी खुश हैं। वही आंदोलन की आगामी रणनीति को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शनिवार यानी कि कल आयोजित होगी। इसमें दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन जारी रखने या फिर खत्म करने का भी फैसला होगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिकैत ने कहा कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही किसान नेता ने यह भी कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत करें। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, तीन कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाड्डू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंघू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है, उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। बलिया क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने मौजूदा राजनीति की स्थिति और आगामी चुनाव के बारे में जनता टीवी के ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर से खास बातचीत की है। कि भारत की जब आजादी हुई थी तो बलिया का बहुत बड़ा योगदान था, और बलिया के योगदान का सराहना आज भी की जाती है। और उसी बलिया के छेद से हमारे साथ मौजूद है, वो उसी छेद से राम गोविंद चौधरी साहब। राम गोविंद चौधरी जी समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, और इसमें नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में निभा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मौजूदा जो विधायक है, सबसे ज्यादा सीनियर विधायकों में से आपकी मतलब गणना की जाती है। तो आपको ये बताइए कि आपने बहुत सारे दौर देखे, इस पूरे दौर में आपको क्या लगता है कि मतलब किस तरीके से जो चेंजेस आए हैं राजनीति में? राजनीति के क्षेत्र में हमने बहुत गिरावट देखी है, और समाज के लगभग हर क्षेत्र में गिरावट आई है। लेकिन गिरावट न आवे इसकी जिम्मेदारी राजनीति की है, राजनीति में काम करने वाले लोगों की है। तो इधर बहुत गिरावट आई है, और राजनीति के मापदंड बदल गए हैं। केवल सरकार बनाना ही राजनीति के माने रह गया। बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार बनाना ही राजनीति के माने रह गया है। सरकार का केवल एक ही उद्देश्य रह गया है कि हम सरकार को कैसे रिपीट करें। आज जो एक बहुत बड़ी घटना हुई है, प्रधानमंत्री ने आज सुबह एक जनता से संवाद किया और कहा कि संदेश राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि हम जो तीन कानून ला रहे थे किसानों से संबंधित, वो वापस कर रहे हैं। क्या समझते हैं? अभी तो प्रधानमंत्री ने गजब किया, आंदोलनकारी किसानों के विषय में कौन कौन सी बात नहीं कही गई। खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, मुट्ठी भर हैं, ये हलवा खा रहे हैं, बड़ी गाड़ी पर चढ़ रहे हैं। भाई हलवा खा रहे हैं या अच्छा खाना खा रहे हैं, हर चीज तो पैदा वही कर रहे हैं। तो जो पैदा कर रहा है वो ना खाए, केवल खाए पूंजीपति, और किसान नमक और रोटी खाए, यही इस सरकार की मनसा थी। आतंकवादी कह दिए, खालिस्तानी कह दिए, मुट्ठी भर कह दिए, निठेलापन कह दिए, और क्या कारण है क्या जो वापस लिया? उसका कारण केवल ये है कि पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहा है। अरे पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसान गाँव में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। तब इनको झटका लगा कि हमको तो लगता है कि चुनाव में हम सारा हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इन्होंने तीन कानून वापस लिए, जो काला कानून किसानों के लिए था, और भी अभी घोषणा इन्होंने किया है। लेकिन ये जीदी प्रधानमंत्री भी हैं, हमको ऐसा आभास हो रहा है कि चुनाव के बाद फिर इसको कड़े रूप में लागू करेंगे। अच्छा, क्या करेंगे? क्या कड़े रूप में? क्यों जब एक बार उन्होंने घोषणा कर दी? इसलिए कि इनकी मनसा भारतीय जनता पार्टी सरकार की मनसा केवल पूंजीपतियों को पक्ष में उनकी पूंजी को बढ़ाना है, और बाकी हिस्सों को और गरीब, पिछड़ा और अशिक्षित, बेरोजगार रखना है। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आप कितने पीछे छोड़ेंगे? अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो ये आभास है कि 400 पा जाएंगे। जो जनता को अभी तक जो रुख है
उससे लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन साथियों के साथ भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। आप एक ही बताइए, आप तो इस प्रभाव से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और बार बार जब सवाल आता है शिवपाल चाचा को साथ में लेने का तो उत्तर क्यों इधर-उधर होता है? उन्होंने तो आपसे आज भी कहा कि उनका सम्मान है और सम्मान उनका रहेगा, वो तो हमेशा कहते हैं। लेकिन अब आज बात यह है कि आज जनता ने मन बना दिया है, उन्होंने 5 साल के मुख्यमंत्री काल में अखिलेश यादव के कार्यकाल को देखा है, उनके विकास संबंधी कार्यों को देखा है, उन्होंने सभी जाति वर्ग धर्म के उत्थान के लिए काम देखा, जैसे कन्या विद्यादान सभी जाति वर्ग धर्म को मिला, लैपटॉप सभी जाति वर्ग धर्म को मिला, कन्या ये महिलाओं को पेंशन सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को मिला। समाजवादी पार्टी पे एक आरोप लगता था कि उन्होंने यादव समाज से तमाम पुलिस में नौकरी की बात थी या तमाम नौकरी में, ये आरोप लगा था। आरोप लगाना अलग है, सही बात दूसरी है। यही जब कल्याण सिंह विपक्ष में थे और नेताजी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यही आरोप लगाया था कि सिपाही में केवल यादव भर्ती हुए, वो भी यादव में भी एक वर्ग के यादव, यादव में भी एक वर्ग के यादव भर्ती हुए। आज जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुए और जब सिपाही की भर्ती हुई तो 10 गुना भर्ती बढ़ गई यादव की, क्योंकि यादव और पिछड़े वर्ग के लड़के आप जरा सड़क से जाइए भोर में या शाम रोज दौड़ते आपको दिखाई देंगे, तो जो मेहनत करेगा वही पुलिस में भर्ती होगा। जिस तरीके से इस समय उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी तरह डिफीट खाएगी और 400 सीटें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी 2022 चुनाव में लाएगी। जनता टीवी के लिए आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। शुक्रवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या एवं उत्तराखंड पवेलियन में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर हंस ध्वनि थिएटर में उत्तराखंड के कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से राज्य की विशिष्ट संस्कृति को अवलोकन विभिन्न क्षेत्रों से आए दर्शकों द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक फैसले कृषि कानून वापस लेने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसले का स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। वहीं केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि राजनीतिक दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हितों के लिए ही कृषि कानूनों को सरलता से वापस लिया है। और साथ ही हरक सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। जी ने जो संवेदनशीलता से आज जो निर्णय किया है, मैं प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह भाव विभोर होकर इस बात को स्वीकार किया है, ये किसानों के हित में उन्होंने जिस तरह बात की है, पूरे देश का किसान इस बात को महसूस करेगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये कानून हमारे हित में बनाया था। हमने प्रधानमंत्री को सामने ये रखा कि ये इसमें हमारा हित नहीं हो रहा है, तो प्रधानमंत्री ने उसको सहजता के साथ स्वीकार कर लिया, तो मैं सोचता हूँ इसमें राजनीति कहाँ है। बुलेटिन में बस इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिए, जनता टीवी देखते रहिए। नमस्कार।